तो यहाँ पे कुणाल शानवी और अद्विता की क्या कर रहा है, गिफ्ट रैप कर रहे हो, और कुणाल की हेल्प मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे है शानवी का गिफ्ट, जो कि इस बार क्या कैश नहीं देना है, इस बार गिफ्ट ही देना है। तो इस बार इसने गिफ्ट ही देना है, कैश नहीं देना है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था ना कि एक गिफ्ट लेकर आए हैं हम, डॉल लेकर आए हैं, तो ये है वो डॉल। तो ये लेकर आए हैं अद्विता के लिए, और ये कुणाल और मैंने दोनों ने पसंद किया है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये डॉल। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और एक और डॉल थी जिनके दो टांगे थी, लेकिन हमने वो नहीं ली, हमने ये वाली ली, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग सी है ना, तो हम दोनों को यही पसंद आई है ना कुणाल, तो हमने ये लिया अद्विता के लिए, क्योंकि उसका पहला रक्षाबंधन है, तो कुछ गिफ्ट देना बनता था, तो ये लेकर आए हम उसके लिए। और शानवी के लिए इसमें लाए, छोटा सा गिफ्ट है लेकिन बहुत प्यारा सा गिफ्ट है। तो चलिए इसको रैप करते हैं। तो यहाँ पे कुणाल की हेल्प मैं कर रही हूँ इसे रैप करने में। ये मुझे बता रहा है कि मम्मा ऐसे ऐसे करो, यहाँ पे टेप लगाओ। तो जब हम गिफ्ट देंगे ना, उस समय देखेंगे उनका रिएक्शन कि कैसा रहता है। ठीक है, कुछ बोलेंगे सबको? हैप्पी रक्षाबंधन नहीं करना है, विश नहीं करना है, बोलो तो। तो यहाँ पे गिफ्ट रैप हो चुका है, और ये देखिए इसको कैसे रैप किया है जुगाड़ू तरीके से रैप किया है इसको। नहीं है वहाँ पे था। नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज जो है ब्लॉग की शुरुआत की है बच्चों ने, क्योंकि आज भाई बहन का त्यौहार है, तो फिर भाई बहनी ब्लॉग की शुरुआत की है। नहीं, उसको उसको रहने दो, दे दो यहाँ पे, बस दिखना गिर ना पाए वो। तो यहाँ पे इनकी प्लेट सज चुकी है, और यहाँ मिठाई रखी हुई है, और यहाँ पे भाई बहन सब बैठ चुके हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने। तो चलो स्टार्ट करो। कौन करेगा पहले, पहले कौन पहनाएगा राखी? तो यहाँ पे शानवी जो है कुणाल को राखी बांधने वाली थी, और अद्विता को रखा था मैंने अपने पास। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि शानवी के पास जो है दिया था, और थोड़ी सी अद्विता फुर्तीली सी है, तो मैंने कहा कहीं वो हाथ पाँव ना मार कर दिया ना फेंक दे और कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए अद्विता को मैंने अपने पास रखा हुआ था। और इसके बाद शानवी के बाद थी अद्विता की बारी राखी बांधने की। और जब मैं देख रही थी ना दोनों को राखी बांधते हुए, तो मुझे बड़ी मतलब मुझे बड़ा मन कर रहा था कि काश मैं भी जा पाती अपने मायके, अपने भाइयों को राखी बांध पाती। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि रक्षाबंधन के दिन बस एक दिन की छुट्टी रहती है, और अगर जैसे साथ में संडे हो या फिर एक दो दिन की छुट्टी हो, तो मैं पक्का ज़रूर जाती। मैंने सोच के रखा था कि इस बार मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन थोड़ा मौसम भी मतलब रास्ते भी ख़राब रहते हैं मंडी में। बस एक प्रॉब्लम होती है कि मंडी और मनाली के बीच में जो पंडो का रास्ता है वो ख़राब रहता है बारिश की वजह से, तो फिर इस वजह से ये भी नहीं जा पाई, और दूसरी छुट्टी की प्रॉब्लम थी तभी मैं जा नहीं पाई। लेकिन कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि दो तीन छुट्टियां होगी, तो मैं ज़रूर जाऊंगी अपने भाइयों को राखी पहनाने के लिए। और बात यहाँ पे पैसे की या गिफ्ट की नहीं होती है। हाँ, बचपन में होता था कि राखी बांधनी है पैसे मिलेंगे, लेकिन सच बताऊँ अब बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं होता है। अब बस ये होता है कि हाँ भाई बहन मिले, एक दूसरे को आशीर्वाद दें, एक दूसरे को प्यार दें, बातें करें, है ना, बस यही रहता है। हाँ, बचपन की बात अलग थी कि राखी बांधेंगे, 5 रुपए की राखी लेंगे तो 20 तो मिलने चाहिए या 10 तो मिलने चाहिए, ऐसा होता था, बच्चे थे हम, होता था, मैं भी जरूर ऐसे ही करती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए ना, वैसे वैसे समझ आता गया कि सॉरी इस हल्ले के लिए, तो समझ आता गया कि नहीं, प्यार ज़रूरी है। पैसे तो कमा सकते हैं ना, लेकिन प्यार नहीं कमा सकते। तो इनको देख के बहुत मन कर रहा था कि काश मैं भी अपने भाइयों के पास होती या बहनों के पास होती। तो ऐसा जब मैंने सोचा, मेरा मन थोड़ा सा उदास था, लेकिन मैंने भी अपने लिए यहाँ पे भाई ढूंढ लिए हैं, और मैंने भी किसी को भाई बनाया है, तो मैं वो आपको आगे दिखाऊंगी। वीडियो तो नहीं लिए हैं, लेकिन हाँ फ़ोटो हमने ज़रूर खिंचवाए हैं, तो मैं आगे डाल दूँगी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं भी किसी को राखी बांधूँ, तो वो वाली विश मेरी इस साल पूरी हो गई। और यहाँ पे अभी जो है कुणाल की बारी थी, तो हम बचपन से ऐसे ही करते हैं कि पहले शानवी कुणाल को राखी बांधेगी, फिर कुणाल जो है शानवी को राखी बांधेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे चला हुआ था। उसके बाद थी अद्विता की बारी, और वैसे ना शानवी हर साल कोको को भी राखी बांधती थी, लेकिन इस बार नहीं बांधा।
क्योंकि कोको ना आजकल थोड़ा सा अग्रेसिव हो चुका है, उसको जब भी कोई प्यार करता है ना तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। तो हमने कहा शानवी तुम दूर ही बैठना इस बार कोको से, उसके पास बिल्कुल मत जाना, कब वो किसको काट जाए कोई उसका पता नहीं चलता है। तो कुछ इस तरह से बच्चों ने जो है रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, और कुणाल के पापा की बहन भी आए थे, गॉड सिस्टर, वो भी आए थे और उन्होंने भी राखी बांधी कुणाल के पापा को। और अब बारी थी हमारी अद्विता की, जिसकी पहली राखी थी। तो ये कंफ्यूज थी कि ये सब कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, और देखिए कैसे देख रही है कुणाल को कि ये क्या लग रहा है। और फिर इसने जो है यहाँ पे राखी बांधी, मतलब इसने क्या बांधी, मतलब शानवी नहीं बांधी, लेकिन इसके हाथ से टच करने को दिया हमने सब कुछ। और फिर बाद में इसको दिया गिफ्ट, जिसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये जो गिफ्ट था ना, हमने इसको पहले दिखा दिया था जब ये पहले आई थी ना, जब हम गिफ्ट लेकर आए थे उसके 2-3 दिन के बाद हमने इसको दिखा दिया था जब ये हमारे घर आई थी। तो यहाँ पर अब ये इसको बांध रही थी राखी और क्लैपिंग कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी ये। ले अभी पहनाओ भैया को राखी, चीको हैंड आगे कर बेटा, पहना दो भैया को, वेरी गुड, बच अब दीदी खुद पहनाएंगे। अभी क्लैपिंग, अद्विता क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। अब मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ, चिकू आप खुद खिलाओ बेटा दीदी को, मिठाई बीबी को थोड़ा सा खिलाना, लेकिन ना मीठू नहीं खाना, खा लो मीठा बेटा, जब टेस्ट आएगा ना फिर अपने आप अच्छा लगेगा। फिर नहीं पसंद आ रहा उसको जसानू इसकी तरफ से खिला दे अद्विता के हाथों से, भैया आप से खिलाना, ज़्यादा मत खिलाना चल चीकू अद्विता को पहनाओ राखी बेटा, पहना दो अद्विता को। वो डॉल वाली कहाँ है, वो नहीं पहनाना, डॉल वाली नहीं पहनानी है, खुल गया वो, चलो कोई बात है हाथ नहीं देना, पहना दो बोलो, ज़रा टाइट मत बांधना पेटू, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से नहीं रहने दो, रहने दो, रहने दो, अच्छा कोई बात नहीं, चलो जी का गिफ्ट दे दो दोनों को, शानवी का गिफ्ट, ये अभी का गिफ्ट, अभी गिफ्ट, ये अभी का गिफ्ट है कितनी खुश हो गई, तो अद्विता को इसकी डॉल बहुत पसंद आई, इसलिए ये कान से खींच रही अपनी डॉल को। अभी क्लैपिंग, अभी इसने देखना है, बहुत खतरनाक स्टाइल से रैप किया हमने, लगी तो अब इनसे मिलिए, ये है मेरे भाई और ये हमारे ही गांव के हैं, तो इनको मैंने राखी बांधी है। तो चलिए ये था राखी वाला ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।